बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी ग्रेड फाइव क्लास फाइव की इंग्लिश की बुक से अपनी अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, अपना अगला पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम जिधर तक पढ़ चुके थे उससे आगे हम पढ़ेंगे। तो चले आए बच्चों, अब हम इंग्लिश की इस बुक से पढ़ते हैं। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कुछ प्रेपोजिशन अपने कर लिए थे नंबर सिक्स तक। अब हमारे पास नंबर सेवन है। इट इज रूट टू पॉइंट डैश पीपल डैश दिस मैनर। इट इसमें आएगा इट इज रूट टू पॉइंट आउट, टू पॉइंट आउट, ठीक है, टू पॉइंट आउट, ठीक है, पीपल ऑफ दिस मैनर, टू पॉइंट आउट द पीपल ऑफ दिस मैनर, ठीक है। इट इज रूट टू पॉइंट आउट पीपल ऑफ दिस मैनर, ठीक है, ऑफ, ठीक है, आउट ऑफ आएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद नंबर सेवन है अलीहा कीप ऑन वर्किंग डैश द स्कूल टाइम आफ्टर इन आफ्टर द स्कूल टाइम, ठीक है। अब घर में भी वो काम जारी रखती है, स्कूल के बाद भी वो काम जारी रखती है। इसमें आएगा अलीहा कीप ऑन वर्किंग आफ्टर द स्कूल टाइम। हु इज गोइंग टू पे डैश, हु इज गोइंग टू पे डैश ऑल दिस डैमेज टू माय फर्नीचर। हु इज गोइंग टू पे फॉर या बाय फॉर ऑल द, हु इज गोइंग टू पे फॉर ऑल द डैमेज टू माय फर्नीचर, ठीक है। उसके बाद नंबर आपके पास जो है एट हो गया। नंबर आपके पास जो है एट नाइन और ये टेन। नंबर नाइन हमने कर लिया, अब टेन है। इन इज दिस ग्लास ब्रोकन डैश हर, ब्रोकन बाय हर, ठीक है, फ्रॉम नी बाय हर, ठीक है। इज दिस ग्लास ब्रोकन बाय हर। और नंबर 11 है माई पेट इज लिविंग हैप्पीली डैश माई फैमिली फॉर माई फैमिली विद माई फैमिली। तो इसमें आएगा विद माई फैमिली, क्या आएगा, विद माई फैमिली। तो शाबाश, ये थे प्रेपोजिशन। आपको दोबारा मैं समझाता हूँ, लास्ट क्लास में हमने किया था, ठीक है, एट द डोर तक। अब आज हमने नंबर सिक्स से किया है ही ब्रश डैश लाफ्टर व्हेन ही सॉ मी इन टू मी, ठीक है, इन टू लाफ्टर, ठीक है। नंबर सेवन है इट इज रूट टू पॉइंट आउट पीपल ऑफ दिस मैनर। उसके बाद है अलीहा कीप्ड ऑन वर्किंग आफ्टर द स्कूल टाइम। फिर है हु इज प्लेइंग, हु इज गोइंग टू पे फॉर ऑल दिस डैमेज टू माई फर्नीचर। इज दिस ग्लास ब्रोकन बाय हर, माई पेट इज लिविंग हैप्पीली विद माई फैमिली। तो ये था आपका आज तक का काम जो हमने किया। अगली क्लास में हम आपको इससे अगला पढ़ाएंगे बच्चों। अब तक के लिए इतना ही, अगली क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।